हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में क्या बताने वाला है जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन 2024-25 के बारे में। तो वीडियो को भाई आपको अंत तक देखना, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं मध्य प्रदेश के, आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो है एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को भाई आपको अंत तक देखना है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं 2024-25 के लिए। आप एडमिशन करा सकते हैं ऑल रेगुलर प्राइवेट कॉलेज में और कोई भी यूनिवर्सिटी में। लास्ट डेट की यहाँ पर बात करें तो 25/5/2024 लास्ट डेट है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 1/5/2024 है। बाकी आगे पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऑफिशियल अब यहाँ पर नोटिस भी जारी किया गया है, ये भी आपको दिखाने वाले हैं। और किस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म डाल सकते हैं वो भी आगे इस वीडियो पर बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक बने रहना है। चैनल पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब आपको कर लेना है। यहाँ पर मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के संपूर्ण जानकारी अपलोड करता हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन आपको कर लेना है, आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि सभी जानकारियाँ मैं देता हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के। ज़्यादा है तो आप हमारे चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं, इसी तरह की वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है, बाकी मिल यहाँ पर जो देखने वाले हैं हम, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी स्नातक यूजी प्रथम चरण, ठीक है। यूजी और पीजी के लिए भी आया हुआ है। सबसे पहले बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए देखेंगे, फिर एमए, एमएससी, एमकॉम वालों के लिए देखेंगे, ठीक है। कार्य का विवरण तो यहाँ पर दिया हुआ है, कार्य का विवरण, स्नातक स्तर, दिनांक, ठीक है। पहला यहाँ पर दिया है ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ करना, मतलब जो है ऑनलाइन पंजीयन यहाँ पे आपके चालू होंगे 1/5/2024 से 20/5/2024 तक, ठीक है, आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और वहीं पर दूसरा दिया है ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि की बात करें तो 20/5/2024 है, ठीक है, 20 मई 2024। और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, दस्तावेजों का सत्यापन होगा आपका फिर 2/5/2024 से 21/5/2024 तक की। वहीं पर आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट, दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि यहाँ पर है 21/5/2024 तक, ठीक है। वैसे तो फार्म आप 1 तारीख से डाल सकते हैं, दो मतलब आपका कोई गड़बड़ी हो गया है, ठीक है, फार्म डालते समय, तो आप जो है 21/5/2024 तक यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना, 25/5/2024 तक की आवंटन आपका जारी किया जाएगा, लिस्ट में नाम वाम आएगा, सभी जानकारी हम देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक है, 1 मई से 20 मई तक यहाँ पर फॉर्म डाले ही जाएंगे आपके। और आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारंभ करना, ठीक है, 25/5/2024 से 3/6/2024 तक यहाँ पर कर पाएंगे। और दिया हुआ है आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना, प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान होगा और प्रवेश शुल्क का भुगतान ना होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रवेश शुल्क तो यहाँ पर भरना ही होगा। आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, प्रवेश शुल्क के भुगतान किए गए आवेदकों का ही यहाँ पर प्रवेश मान्य होगा और प्रवेश शुल्क का भुगतान ना होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो 3/6/2024 तक की आप ये कर पाएंगे। अब अपग्रेडेशन का विकल्प भरने की अंतिम तिथि है 3/6/2024। और यहाँ पर अगला आ जाता है 9वें नंबर का पॉइंट, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान होने की दशा में अपग्रेड महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। अपग्रेडेशन की स्थिति स्नातक गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना है। और अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में पूर्व में जारी आवंटन यथावत रहेगा, ठीक है। ये तो इसी प्रकार का दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर बात करें तो सबसे मेन यहाँ पर क्या आ जाता है, एडमिशन, ठीक है। सबसे पहले आप एडमिशन कराएंगे, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको ऑटोमेटिक पता होती जाएंगी। बाकी हम अपने चैनल से मैं आपको बताते रहूँगा कि भाई फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी, इस टाइप के मैं आपको बताते रहूँगा।
1/5/2024 से 20/5/2024 तक की बीए बीएससी बीकॉम के यहाँ पर एडमिशन होना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें पीजी के लिए। ठीक है, जो एमए एमएससी एमकॉम वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उनके लिए यहाँ पर एडमिशन की बात करें 2024-25 के लिए, तो ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ करना 2/5/2024 से 21/5/2024 तक की यहाँ पर फार्म आपके भरे जाएंगे। 2 मई से 21 मई तक के यहाँ पर फार्म भरे जाएंगे। दोस्तों को शेयर भी कर देना है जिसको एडमिशन वगैरह लेना है तो। और ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 21/5/2024 है। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन 3/5/2024 से 24/5/2024 तक के आप कर पाएंगे। दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि 24/5/2024 यहाँ पर रखी गई है। और प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना 29/5/2024 तक यहाँ पर जारी किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब तो शुल्क वगैरह का भुगतान आपको कर देना है 29/5/2024 से 5/6/2024 तक की। ठीक है, तो ये सभी आपको काम कर लेना है, बाकी इधर सब नीचे का कुछ काम का है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या आ गया, हाँ ये फिर से आ गया, वही आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पर ये जो काम है आपको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराना है। ठीक है, आप अपने मोबाइल से ट्राई करने की ना कोशिश करें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि भाई आप फार्म किस प्रकार डाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन आपको कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार जो है एडमिशन के फॉर्म डाला जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, आप जाकर उसे चेकआउट कर लीजिएगा और आप जो है फॉर्म डलवा सकते हैं अपने। बाकी दोस्तों को शेयर भी आपको कर देना है जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।